हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस जेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेस राउटर के बारे में। हम चाहते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है, ये जो राउट्स बनाए थे, इसको हम एक सेपरेट फाइल में लिखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले हमने राउट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे पहले ना स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, तो यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं राउट्स के अंदर एक बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जी एस नाम का फोल्डर, और इस इंडेक्स डॉट जी एस में सारे राउट जो भी लिखेंगे हम वो वहाँ लिखेंगे, और इस फाइल को हम कर देंगे खाली। ठीक है, तो यहाँ ये सारा कोड राउट जो राउटिंग का काम है वो अलग सेपरेट फाइल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जो नीचे का कोड है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है नीचे वाली, ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ से जरूरत पड़ने पर कुछ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो पहले समझना जरूरी होता है, कॉपी पेस्ट तो बाद में होता है, पहले इसको ठीक से समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर राउटर ओपन कर रहा हूँ, एक्सप्रेस राउटर। तो एक्सप्रेस राउटर, ठीक है, यानी कि एक क्लास होगी जिसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ यूज करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो अब ये राउटर, अब मुझे क्या करना होगा, मैं राउटर का यूज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ अब ऐप की जगह मैं करूँगा राउटर का यूज। यहाँ मैं इसको चला के देखता हूँ, कुछ देखते हैं क्या होता है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, देखिए रिक्वेस्ट भी हमारी, ठीक है, जो कलर है वो रेड दिखा रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसमें कुछ मिस कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिसिंग है। सबसे पहले मैं इसको यहां से, यहां मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये तो आप जान ही गए, खैर मैं इतना थोड़ा तो राउटर यूज इसकी मुझे जरूरत है, अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना पोर्शन देखना है। तो मैं उस फाइल में क्या करूंगा कि यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। तो उस फाइल में जाकर मैं ये सारा कोड लिखकर, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम कि यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेस मॉड्यूल दोबारा हम लोड करा रहे हैं इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम आप देखिए यहाँ पूरा डिटेल दी हुई है, यहाँ तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है राउट डॉट गेट, और ये फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, और ठीक है तो यहाँ सेंड हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ से मैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ मिस्टेक रहा कहाँ रहा, मैं पहले फिलहाल इसको सबको राउटर बना लेता हूँ, राउटर डॉट गेट, ठीक है, इसको राउटर करके देखता हूँ कि फिर ये काम करेगा नहीं करेगा। ये वैसे आप समझ लीजिए कि जो ऐप डॉट जेएस फाइल है हमारी मेन फाइल है, ठीक है, तो अब आप ऐप को रिटर्न नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। देखिए रिटर्न जो हो रहा है वो राउटर हो रहा है, ये कोई, ये गलत है, ये रॉन्ग कर दिया हमने, इसको हमें ठीक करना होगा, ऐप ही रहने देना होगा, क्योंकि फाइल तो जो मॉड्यूल जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ऐप ही होगा। ठीक है, ये तो मेन फाइल है हमारी। तो यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए रिक्वेस्ट जो दिख रहा है राइट साइड में रेड कलर में, आपको इससे पता चला होगा कि ये रिक्वेस्ट काम नहीं कर रहा है, स्टेटस 400 है, नॉट फाउंड, क्यों है ऐसा, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो व्यू राउटर एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे जैसे यूजर्स का राउट अलग बनाना है यूजर्स का, तो वो हम सेपरेट एक फोल्डर में राउट्स में रख सकते हैं और भी बना सकते हैं। तो मैं इसको ऐप डॉट यूजर लिखूंगा, यानी कि मैंने अभी इस राउटर को यूज नहीं किया है, तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं एज अ मिडलवेयर यूज करूंगा इसको मैं, तो देखिए अब ये काम करने लगा है। तो हमने इसका यूज नहीं किया था, हमने इसको यूज नहीं किया था अभी, तो ध्यान रखे इसको यूज करना है आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से कौन सी व्यू फाइल हम जो टेम्पलेट्स हैं टेम्पलेट्स कैसे रेंडर होती है। तो ये तो हो गया हमारा यूज। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ मैंने जो इंडेक्स डॉट जेएस जो फाइल बनाई है, ये जो स्क्रिप्ट यहाँ से जो हम राउटिंग का काम है हम उसमें लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सिर्फ उसको यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ इंडेक्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसको
जब रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। मैं इसको ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये नीचे लिखना जरूरी है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर, ठीक है। एक्सपोर्ट राउटर को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्ट तो जरूरी है। तो यहाँ मैं ये दोनों कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे ये काम तो ये निपट गया, ठीक है। ये देखो सारा जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वहां से उठकर यहाँ पर आ गए, ये काम हमारा सेपरेट हो गया। तो यहाँ देखिए जगह सारी देखिए खाली हो गया, कितने अच्छे जो है लिखा हुआ लग रहा है सिस्टमेटिक। यहाँ मैं उसको यूज कर लेता हूँ। अब देखिए दूसरी फाइल में चला गया वो सब कुछ, तो मैं उस फाइल को यूज करूंगा कैसे। ऐप यहाँ मैं सबसे पहले तो उसको इंक्लूड कराऊंगा, ठीक है। यानी कि मॉड्यूल, एक मॉड्यूल मान के लिए वो एक मॉड्यूल को मैं इंडेक्स, जो मॉड्यूल है इंडेक्स दो इंडेक्स जो जे उसको मैं लोड कराना होगा। तो कैसे कराऊंगा, रूट में मेरे है राउट्स नाम का एक फोल्डर, और राउट्स नाम के फोल्डर में हमारी इंडेक्स डॉट कौन सी फाइल है, इंडेक्स डॉट जे एस फाइल है। तो यहाँ ये ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तरीका, ठीक है। आप बिगनर है, मैं स्पेशली वीडियोस जो है बिगनर के लिए बनाता हूँ, तो इसलिए ध्यान से ध्यान थोड़ा ध्यान दें पूरी चीज़ें, आई होप के समझ में आई गया होगा आपके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देता हूँ रूट। तो रूट पर क्या हो, हमारा इंडेक्स राउटर जो वेरिएबल लिया हमने उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ अब वो देखिए ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। रूट पर क्या होगा, जो इंडेक्स डॉट जी एस में आपने पहला जो राउट लिखा है वो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कॉन्टैक्ट सर्विसेज, वो अगर आप स्ट्रिंग डालेंगे तो वो उसी तरह काम करेंगे जैसे पहले वीडियो था, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखकर देख सकते हैं आप, सर्विसेज लिखकर देख सकते हैं, तो वो ठीक उसी तरह से काम करेंगे, सर्विसेज लिखकर देख सकते हैं आप, देखिए ठीक उसी तरह काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सेपरेट होगा। तो ये रहा